नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं आपका ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक चैनल में, डिफेंस मैकेनिज्म सीरीज में। आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब अपना दिमाग लगाना। दिमाग तो हर कोई लगाता है, फिर प्रॉब्लम क्या है और इसे डिफेंस मैकेनिज्म क्यों कहते हैं। होता क्या है, जब हम गलती करते हैं तो या तो हम अपनी गलती मान लेते हैं या हम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो उसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। उसके लिए आप अलग वीडियो देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब है हमने गलती की, हमने उस गलती को मान लिया, बट हमने उस गलती को उस तरह से नहीं माना जैसे फैक्चुअली मानना चाहिए था, बट उसके लिए बहुत ही इंटेलिजेंट या हाईफाई एक्सप्लेनेशन दी ताकि हमारे मन को शांति मिल सके। जैसे एक लड़का है, वो एक छोटे टर्मिनल एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो वो कहता है कि ये भगवान का मैसेज है मेरे लिए ताकि मैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ूँ। अगर मुझे ये धक्का ना लगता तो मैं बहुत पढ़ाई ना करता, जबकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में तो पहले से ही पढ़ना चाहिए। उसी तरह एक लड़की है जिसकी हीरे की अंगूठी है, जिसका हीरा थोड़ा ढीला हो गया है, वो प्लान कर रही है कि वो सुनार के पास जाएगी और उसे सेटल करा लेगी, लेकिन इससे पहले कि वो सेटल कराती वो हीरा गुम गया। बजाय रोने के या परेशान होने के लिए वो बोलती है कि वो शनि की दशा टल गई, मेरे जो बुरे दिन आने वाले थे वो बच गए, वो हीरा ले गया, या फिर किसी गरीब का तो भला हो गया होगा जिसको वो हीरा मिल जाए, जबकि हमारी वैसी कोई तमन्ना पर्सनली नहीं होती। तो इंसान क्या होता है, वो अपनी गलतियां नहीं मानना चाहता, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम गलती मानते हैं तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस सब मेहनत से बचने के लिए लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इमीडिएट रिलीफ तो देते हैं, मन को शांति तो देते हैं, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छे नहीं होते और लाइफ में एंग्जाइटी या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि वो भी इन डिफेंसेस से कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, और कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियोस मिल जाएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।